हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी कुकिंग। मैं हूँ पूनम और आज मैंने बनाया ये सिंधी स्पेशल प्याज की सब्ज़ी, जिसे हम सेल सब्ज़ी बोलते हैं, टिक्की और भिंडी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया है। प्याज की सब्ज़ी बनाने के लिए काफ़ी सारे प्याज लिए हैं मैंने, 8-10 प्याज हैं। इसे मैं चाकू से बिल्कुल नहीं काटूँगी, इसे मैं काटूँगी फूड प्रोसेसर में। एकदम जल्दी से, फास्ट से ही कट जाते हैं फूड प्रोसेसर में, तो मैं इसमें काट लूँगी इन्हें। फटाफट कुछ ही सेकंड्स में बढ़िया कट गए। चलिए स्टार्ट करते हैं अब बनाना सब्ज़ी। सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने बड़ा बर्तन उठा लिया है, जिसमें 2 बड़े चम्मच तेल का ले लिया है मैंने। इस तेल जैसे गर्म हो गया तो मैं डाल दे रही हूँ प्याज, जो कि एकदम बारीक कटे हुए हैं। इनको धीमी आँच पर ही हमें पकाना है, पूरी सब्ज़ी धीमी आँच पर बनानी है। इसे मैं डाल दूँगी थोड़ा नमक, अभी प्याज की जितना नमक डालना है हमें, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लगभग 1/4 छोटा चम्मच। इसको कर देंगे हम मिक्स, धीमी आंच पे ढककर रख देंगे। 5 मिनट बाद फिर हम इसको घुमाएंगे। यहाँ मैंने 3 लगभग आलू लिए थे, जिसको मैंने गोल गोल बड़े पीसेस में कट किया है इस तरह से। अब इनको हमें नमक डाल के रख देना है। थोड़ी देर बाद हमें उसमें सब्जी में ये ऐड करने हैं आलू, तो इसमें आलू जितना ही नमक हम ऐड करेंगे। लगभग 5 मिनट बाद आप देख सकते हो, 5-7 मिनट हो चुके हैं, थोड़ा सा पिंक होने वाला है प्याज। तो अभी मैं इसमें डाल दे रही हूँ आलू, और फिर से इसको घुमा के धीमी आंच पे हम छोड़ देंगे ताकि आलू हमारे पक जाए। यहाँ मैंने एक बोल में एक प्याज लिया है बारीक कटा हुआ, जिसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ थोड़े से चॉप धनिए और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची एक। हमें बनानी है बेसन की टिक्की, उसके लिए ये प्रिपरेशन हो रही है। इसमें ऐड कर देंगे बेसन, जो कि रहेगा 4 बड़े चम्मच बेसन का। इसमें डाल देंगे फिर कुछ मसाले। पहले मैं डाल दूंगी नमक, स्वादानुसार नमक रहेगा, और थोड़ा सा लाल मिर्ची, लगभग 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची का बस। और कुछ मसाले ऐड नहीं करना है अभी, डाल देना है तेल, जो कि रहेगा 3 बड़े चम्मच तेल में डाल रही हूँ। इसमें तेल डालना ज़रूरी है इसमें। फिर इसका हम थोड़ा सा आटा बना देंगे, सबको मिक्स कर देंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका हम एक आटा बना लेंगे, टाइट आटा। सारी चीज़ों को मिक्स करना है, और थोड़ा पानी एकदम थोड़ा थोड़ा से डालना है, एकदम से ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बिल्कुल पकौड़े का घोल बन जाएगा वो। तो इसलिए हमें पानी थोड़ा थोड़ा उठा के इसका आटा गूंदना है, उसको ज़रा ज़रा सा डालते हुए, क्योंकि बेसन जल्दी से चिकट हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें इसका टाइट आटा गूंद लेना है। आटा मेरा रेडी हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, इसके हम बनाएंगे टिक्कियाँ। आटा इस तरह से रेडी है मेरा, थोड़ा थोड़ा उठा के हाथ में इस तरह से मैं ओवल शेप देते हुए टिक्की तैयार कर रही हूँ। इसे हमें करना है फ्राई। सारी टिक्कियाँ मैं रेडी कर लेती हूँ, फिर हम कर देंगे इन्हें फ्राई। टिक्कियाँ रेडी कर देंगे सब, इतनी थिक हमें रखनी है टिक्की। चलिए जल्दी से बना लेते हैं और फ्राई कर लेते हैं इन्हें। मैंने तेल गरम करने रख दिया था, टिक्कियाँ मैं सब डाल दूंगी और फ्राई कर देंगे इसको हम अच्छा सा। तो मीडियम आंच पे फ्राई कीजिए, ज़्यादा तेज़ में नहीं फ्राई कीजिए, नहीं तो ये अंदर पकेंगी नहीं और बाहर से जल्दी ब्राउन हो जाएंगी, इसलिए मीडियम आंच पे ही इसको हमें फ्राई करना है। देखिए फ्राई हो रही है, थोड़ा सा और इसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है। देखिए आप देखिए, लगभग फ्राई हो चुकी है, ये मैंने निकाल दूंगी। इतना हमें ब्राउन इन्हें रखना है, गोल्डन ब्राउन जितना, ज़्यादा जलाना नहीं है तो टेस्ट खराब आएगा। और तेल मेरा गर्म ही है, तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ भिंडियाँ, जो कि है लंबी लंबी, और इन्हें मैंने स्लिट में काटा है, बीच में चीरा लगाया है। ये भिंडियाँ भी हमारी सब्जी में डलेंगी, टिक्की और भिंडी की मैं ये सब्जी बना रही हूँ प्याज वाली,
तो भिंडी को भी हमें डीप फ्राई करना है। सब्जी को भी बीच में हमें चलाते रहना है, भूलना नहीं है। और जो हमारी टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी है तो इनमें सब्जी में मैं ऐड कर दूंगी। और मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़े टमाटर बारीक कटे हुए। और फिर इसमें ऐड करना है कुछ मसाले, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, एक चम्मच कोरिएंडर पाउडर। हल्दी हम पहले ही डाल चुके थे प्याज में, तो हमें सिर्फ लाल मिर्ची और धनिया पाउडर ऐड करना है और कोई मसाला नहीं। इन्हें अच्छा सा मिक्स करना है। मिक्स करके देखिए मिक्स हो चुके हैं। इनमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी ताकि अच्छे से टमाटर भी पक जाए, हमारी टिक्कियाँ भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। लगभग 1 कप जितना पानी ऐड करके इसको ढक के धीमी आंच पे हमें पकाना है। इधर से मेरी भिंडियाँ भी फ्राई हो रही हैं, इन्हें थोड़ा सा और फ्राई करना है हमें। भिंडियाँ मेरी फ्राई हो चुकी हैं, देखिए कलर चेंज हो चुका है इनका, फ्राई हो चुकी है। तो इनको हम निकाल देते हैं बाहर। फिर इसमें हम ऐड करेंगे मसाले, भिंडियों में हमें मसाला भरना है। तो यहाँ मेरे मसाले उठाए हैं कुछ भिंडियों के लिए। तो यहाँ पे रहेगा लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक, क्वांटिटी मैंने लिख दी है यहाँ पे ऊपर में। इन सबको कर देंगे मिक्स, मसालों को पूरा मिक्स कर देना है। जो हमने भिंडी फ्राई की थी उनके बीच में ये हमें भरना है। ये सारी भिंडियाँ मैंने फ्राई की थी इस तरह से ओपन करके, और ये मसाले को हमें बीच में फंसाना है और सारी भिंडियाँ इस तरह से भर देनी है मसाले में। सारी भिंडियाँ मैं रेडी कर दूंगी इस तरह से। इन्हें हमें ऐड करना है सब्जी में। ये हमारी सब्जी देखिए पक रही है, मैंने पानी जो डाला था एकदम सूख गया है। अभी मैं ऐड कर दूंगी इसमें भिंडी और थोड़ा मिक्स कर देंगे इसको हम। थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, ऐड कर देते हैं थोड़े धनिए, बारीक कटे हुए धनिए। थोड़ा सा डाल देंगे पानी लगभग 1/2 कप जितना। फिर से इसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे ताकि भिंडी भी मस्त से एकदम पक जाए, बहुत अच्छे से सॉफ्ट सी हो जाए। बस ये देखिए इस तरह से हमारी सब्जी जो है रेडी हो चुकी है। लगभग 5-7 मिनट और मैंने पकाया इसे और सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसे आप चपाती के साथ सर्व कीजिए, बढ़िया। देखिए मैंने यहाँ सर्व किया है, ये सब्जी बिल्कुल रेडी है। मैंने रोटी यहाँ पे रखी है थाली में और पापड़ के साथ सर्व कर रही हूँ। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।